हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जैसा कि विदित है, आप लोगों का 7 मार्च को संस्कृत कक्षा 11वीं का पेपर है, वार्षिक पेपर। आइए स्टूडेंट्स, आप सभी का 80 नंबर का जो पेपर है वो पूरा का पूरा किस प्रकार पेपर में आपको कौन से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और कौन से प्रश्न एक भी आपका बाहर नहीं होगा, ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम कक्षा 11वीं विषय संस्कृत 80 नंबर का पेपर किस प्रकार हम वार्षिक पेपर में छाप के आ सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए खास बनाया जा रहा है। 2024 वार्षिक पेपर कितने मार्च, 7 मार्च संस्कृत का पेपर। आइए स्टूडेंट्स, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी क्वेश्चनों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे और अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाएंगे और इन प्रश्नों को नोट करेंगे। सभी आंसर सहित आपको बताए जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है दिगंबर अस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आंसर डायरेक्ट मैं बताऊंगा, संधि विच्छेद हो जाएगा दिख धन अंबर, का बन जाएगा आधा गा, छोटा की मात्रा गा में लग जाएगी, तो इस प्रकार आपका बन जाएगा दिगंबर। अगला प्रश्न, प्रत्येक इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, प्रत्येक में पूछ रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो बच्चों, कई बार आप लोगों को बताया गया है कि अगर आदक्षर आता है उसके बाद या हो और वा हो तो वहाँ पर यण संधि आपका आंसर होता है, तो यहाँ पर यण आपका करेक्ट आंसर होगा। मना दनहर प्लस से पहले यदि विसर्ग है तो वहाँ पर आपका ओ बनेगा और वो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, तो मना दनहर क्या बन जाएगा, मनो हर बन जाएगा आपका। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, एक ऑप्शन लास्ट वाला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आ शिवम इत्यस्मिन पदे समासस्ति, अगर आप लोगों को किसी भी शब्द के आगे आ छोटा आ उपसर्ग देखने को मिलता है तो वहाँ पर जो समास होता है वो नन तत्पुरुष समास होता है। अगर आ दिखता है तो नन तत्पुरुष समास होता है, लेकिन आ उपसर्ग होना चाहिए केवल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सौंदर्य बोध अस्मिन पदे समास अस्ति, देखिए सौंदर्य बोध तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समास है, तो इसमें बहुरी समास नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, कर्म धारय भी नहीं है। बोध ज्ञान होना किसका, सौंदर्य का, सौंदर्य का ज्ञान, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर होगा, तत्पुरुष करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, महाराज इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, महाराज का क्या करना है, समास विग्रह करना है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा महान चासो राजा, महान चासो राजा करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए स्टूडेंट्स, जो जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आगे भी इसी प्रकार आपको अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे प्रतिदिन इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, प्रतिदिनम इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा इसका समास विग्रह क्या होगा, तो प्रतिदिन का समास विग्रह जो होगा बच्चों वो हो जाएगा दिनम, दिनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा, अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति, प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि यहाँ पर 4 पद लिखे गए, इनमें से बताइए कौन सा पद अव्यय का है, तो यहाँ पर इसमें आंसर लगाएंगे हम, जो देखिए ये तो हमारा वृक्ष है, संज्ञा शब्द है, ये क्रिया है, ये भी हमारा संज्ञा शब्द है, लेकिन प्राता क्या है, अव्यय है बच्चों, तो आंसर हमारा प्राता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराजय पराजय पदे उपसर्ग अस्ति, कह रहा है कि इस पराजय शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो उपसर्ग हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, परा, परा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बालकः पुनः मोदकम् इच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति,
देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य आया है और इसमें पूछा है कि इस वाक्य में बताइए अव्यय क्या है। तो यहीं पर बता देता हूँ आंसर डायरेक्ट पुनः आपका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नीचे मिलेंगे, ऑप्शन आपको यहाँ नीचे मिल रहा है, इस कारण से मैंने वहीं बता दिया था। ठीक है, पुनः आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। यहाँ पर कह रहा है कि चार पद हमने लिख दिए, इन चारों पदों में से बताइए कौन सा अव्यय नहीं है। देखिए ये तो अव्यय है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पत्रम आपका अव्यय नहीं होगा, तो आंसर आपका पत्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3, भविष्यति इत्यत्र लकार अस्ति। तो भविष्यति इत्यत्र लकार अस्ति, भविष्यति में बच्चों आपको क्या बताना है, लकार बताना है। तो यहाँ पर भविष्यति, जहाँ पर इष्यति आ जाता है वहाँ पर तो लिरिट लकार होता है, मतलब भविष्यकाल होता है, तो लिरिट लकार आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जानासि अस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो जानासि में पुरुष पूछा है, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, प्रथम, मध्यम, तीन प्रकार के होते हैं, इनमें से आपका इसमें कौन सा पुरुष है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ददति, ददति इत्यत्र वचनमस्ति। यहाँ पर आपका एक होता है ददाति, ठीक है, और एक होता है ददति। तो यहाँ पर ददति में वचन पूछा है, तो ददति में आपका जो वचन हो जाएगा वो हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन आपका इसमें सही उत्तर होगा, ददाति में जो है वो एक वचन है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्यय अस्ति। तो अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर चार शब्दों में बताना है किसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो बिल्कुल बता देंगे, जिसके पीछे हमें दिखता है तुम वहाँ पर लगा होता है तुमुन प्रत्यय। तो देख लीजिए चारों शब्दों में लगा है पटी तुम, तो यहीं पर आपका आंसर यही हो जाएगा। जिसके बाद सामाजिक, अस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, पूछ रहा है कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है संस्कृत का। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसके पीछे हमें दिखता है इकाहा, वहाँ पर रहता है ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय के साथ हम सही उत्तर लगाएंगे। जिसके बाद में अगला क्वेश्चन है श्रीमती, श्रीमती पदे प्रत्यय अस्ति। तो श्रीमती में जो प्रत्यय होगा टाप नहीं होगा, कत्वा नहीं होगा, मयट नहीं होगा, डीप प्रत्यय आपका आंसर होगा। ठीक है, डीप आपका आंसर यहाँ पर श्रीमान में यदि डीप प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा, श्रीमती वो बन जाएगा। चलिए अम प्रत्यय अस्ति, यहाँ पर आपको बताना है अम प्रत्यय अस्ति। तो तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तो यहाँ पर बताना है अम प्रत्यय अस्ति, अम प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हम जाएंगे यहाँ पर इसको लगाएंगे हम सुप प्रत्यय के साथ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ रहा है सलिलम का पर्याय शब्द बताइए, सभी का जवाब आना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट्स। सलिलम का जलम होगा, कुलम होगा, अलम होगा या वायु होगा। बिल्कुल, सलिलम का मतलब होता है पर्यायवाची जलम, पानी। ठीक है, तो जलम आपका आंसर हो जाएगा। सज्जन का विलोम बताना है, तो सज्जन का विलोम की बात करेंगे तो दुर्जन आपका उत्तर हो जाएगा। और वहिनी इत्यस्य पर्याय शब्द नास्ति, वहिनी शब्द का पर्यायवाची, वहिनी शब्द का पर्याय शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर वहिनी के सभी होंगे, अनल आग को कहते हैं, अग्नि भी आग को कहते हैं, हुताशन भी आग को कहते हैं, लेकिन तरु पेड़ को कहते हैं। तो आपका आंसर पेड़ के साथ चले जाएंगे, मतलब तरु के साथ चले जाएंगे, यहाँ पर यही तो पूछा है, नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल यहाँ से अगर आप देख कर गए तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अल्पारंभ, अल्पारंभ तो यहाँ पर आपका खालिस्तान में आएगा दुख का रहा। ठीक है, अगर हमने धीरे धीरे हम प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, दुख का कारण होगा। अगला क्वेश्चन, पंडितो अपि वरम शत्रुर्न हितकार कहा। तो यहाँ पर पंडितो अपि वरम शत्रुर्न मूर्खो हितकार कहा। तो बताइए यहाँ पर इसमें से और इसमें से आपका दोनों में से आंसर सही क्या आएगा, एक प्रश्न में आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप सभी मुझे देंगे, सभी का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, विदुषः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो प्रथमः, तृतीयः, चतुर्थी, षष्ठी, विदुषा में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तृतीय
विभक्ति आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु सप्तमी अस्ति, मतलब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आपको बताना है। तो जन्मनः, जन्मः, जन्मनि, जन्मने, तो यहाँ पर सप्तमी आपकी जन्मनी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनो इत्यत्र वचनमस्ति, तो आत्मनाओ में जो वचन होगा बच्चों वो द्विवचनम आपका आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम जोड़ी भी देख लेंगे, ठीक है। जोड़ी यदि हम देखेंगे तो यदात बहुति तत्पदम यो विद्या हन्ति और अधीनः, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पर आपको एक शब्दम उत्तर और जिसके बाद में आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको आने वाला है, क्योंकि वीडियो हमारा 10 मिनट का हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा का वीडियो होता है तो बच्चे देखते नहीं हैं, परेशान हो जाते हैं। तो 6 से लेकर आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं और आपठित गद्यांश वगैरह है ये तो मैं आपको इसी में बताऊँ। यहाँ पर आप निबंध देख सकते हैं, ठीक है, आपठित गद्यांश देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकेंगे यहाँ पर आपठित गद्यांश वगैरह, इनको आप क्या करेंगे यहीं पर कर लीजिएगा। जिसके बाद में मैं आप लोगों को ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है ये बता देंगे आपको, जिसके बाद में आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से हमारे सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए। 11वीं के प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। MP का पेपर देने वाले हैं 7 मार्च को, तो उन तक ये वीडियो आप शेयर करिए। अधिक से अधिक बच्चे अगर इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं जल्दी ही क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा आंसर सहित, ठीक है। तो आप सभी का इंतज़ार रहेगा कि आप कितनी जल्दी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक दोस्त तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जब जाकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँगा। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन पर रखिए ताकि आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।